हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब मजे में होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका हमारा इस हंगरी दिवाकर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो स्पेशल है गाइज, वो बोलेंगे हम अपने सरोज जी को कि दिखाने के लिए कि आज का जो स्पेशल वीडियो है वो क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, ये हम सरोज जी से ही पूछते हैं आज का स्पेशल क्या होने वाला है। सरोज, ये पोठिया मछली से देसी स्टाइल में हम लोग बना के आज खाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। इसका विधि बनाने का भी पूरा दिखाएंगे, जो कैसे कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। आप लोग को पता ही होगा जो हम स्पाइसी खाते हैं, बट इन लोगों को उतना पसंद नहीं है स्पाइसी, लेकिन हम अपने हिसाब से बनाएंगे इस मछली को। और पूरे वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिएगा जो हम कैसे कैसे बनाएंगे, फ्राई करेंगे। खाने तक लास्ट तक आप लोग प्लीज स्किप मत करिए और देखते रहिए। हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है पूरे देसी स्टाइल में होने वाला है और हम लोग पूरा यूनिक टाइप, जैसे पहले जमानों में होता था, सेम हम लोग वही करने वाले हैं आज। ना तो हम लोग के पास गैस है ना कुछ, हम लोगों को खुद बनाना है और खुद खाना है, वो भी वो क्या कहते हैं उसे, चूल्हा पे देसी स्टाइल में। देख सकते हैं अभी भी मछली जो है जीवित है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं हिल डुल रहा है मछली, पूरा जीवित है, पूरा फ्रेश मछली। अगर हम अपने कैमरामैन वाले भैया को बोलेंगे एक बार दिखाने, यही तालाब से हम लोग मछली निकलवाए थे आज, तो एक बार आप जरूर दिखा दें हमारे व्यूअर को। यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा बड़ा मछली रहता है, बट फिर भी हम लोग सोचे कि ये छोटी छोटी फिश जो होती है काफ़ी टेस्टी होती है। तो सरोज जी ने बोला कि आज छोटी सी फिश का ही चैलेंज किया जाए, चैलेंज तो नहीं बोल सकते, आज हम लोग को मेकिंग एंड ईटिंग दिखाने वाले हैं आप लोगों को, वो भी टोटली देसी स्टाइल में। तो चलिए हम लोग इसे पहले कट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले राख लगा ले रहे हैं इसमें, उसके बाद जो है इसको ऐसे ऐसे किया जाएगा, इसका जो स्किन होता है उसको ऐसे ऐसे पहले हटा लिया जाएगा, उसके बाद जो है ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। देखिए हट गया ना, अब देखिए इधर का बचा हुआ है ये भी हटा लेते हैं पहले, उसके बाद जो है फिर इसे ये काटना पड़ता है, इसको काट के इसे हटा लिए, उसके बाद सिंपल ऐसे ऐसे फाड़ो, ऐसे इसका निकाल दो, बस हो गया। देखिए कट के रेडी है, बस ये फ्राई होने के लिए, अब फ्राई होने का इंतजार करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, हमारा मछली तो पूरी तरह से कट चुका है, अब हम लोग यहाँ इसे धोने का प्रक्रिया कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम लोग पानी अपना ये हैंडपम्प से पानी ले रहे हैं, थोड़ा पानी कम आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से हम लोग आज जो है देसी स्टाइल में सब कुछ करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पानी जस्ट एक बाल्टीन भरने वाला है, पानी भरते हैं और ये कैमरामैन वाले को भैया को बोलेंगे दिखाएं। देखिए अब देख सकते हैं मछली पूरा धुला जाएगा, हम लोग कम से कम इसे तीन चार पानी से धोएंगे। सरोज जी आप एक बार इधर देख लीजिए, चार से पांच बार इसको धोना पड़ेगा बिल्कुल सफाई करने के लिए, अभी बहुत गंदा है। हाँ गाइस, अब देख राख जो है इसके अंदर पूरे अच्छे से लगा हुआ है, इसे कम से कम चार से पांच पानी से हम लोग पूरे अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर इसे हम लोग वो मैरिनेट करके फ्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसे पूरे अच्छे से धो के। ये देखिए गाइस, ये हमारे यहाँ का देसी स्टाइल, अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर इसकी ये चुइयाँ बोलते हैं, इसको चुइयाँ ही ना बोलते हैं सर, चुइयाँ बोलते हैं, अगर इसका चुइयाँ थोड़ा सा भी इसमें लगा हुआ होगा तो ये हम लोग एक पार्ट पे घस के उसको छुड़ा देते हैं। देख सकते हैं और क्लीन हो जाएगा मछली इससे। तो चलिए मिलते हैं इसे धो के, पूरी तरह से धुला चुका है, अब देख सकते कितना क्लियर अब दिख रहा होगा, पूरा साफ हो चुका है। ये देखिए हम लोग लास्ट फाइनल राउंड धो के पानी से इसे निकाल रहे हैं, अब इसी में इसे मैरिनेट करेंगे और फ्राई के लिए रेडी करेंगे। अब देख सकते कितना प्यारा लग रहा होगा, पूरी तरह से साफ हो चुका है मछली। देखिए फाइनली गाइस, हम लहसुन डाल रहे हैं इसमें पीसने के लिए, ये हमारी रेड चिल्ली है और ये जीरा है, ये सरसों है, इसको हम बाद में पीसेंगे, पहले इसे पीस लेते हैं फिर इसके बाद हम इसको पीस के दिखाएंगे आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हल्दी पाउडर डाला जा रहा है इसमें, उसके बाद फिर मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा मैरिनेट करने के बाद जो है फिर फ्राई करेंगे। ये मिर्च पाउडर गया और ये रहा लहसुन का पेस्ट,
ये जो होता है इसकी जो बिसैनी होती है उसे काटने के लिए दिया जाता है, यही ना सर, जिस वजह से ना। और ये रहा नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम लोग नमक डाल रहे हैं इसमें। तो चलिए अभी इसे फिर मैरिनेट करके 5 मिनट छोड़ेंगे, फिर ऑयल गर्म होगा उसके बाद इसे फ्राई करते हैं। जो है उसमें आग हम लोग लगा दिए हैं, अब पूरे अच्छे से पहले इसे आग लगने देते हैं, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे मछली को। चलिए मिलते हैं पूरे आग को, आग अच्छे से धधका के। फाइनली गाइस ऑयल पूरा गर्म हो चुका है हमारा, अब इसमें हम लोग मछली डाल रहे हैं। देखिए ये जो साउंड है ना, यही मुंह से मतलब माउथ वाटरिंग होने लगता है ये साउंड सुन के। आपको पता, आप लोग को भी हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है देखने में। एकदम मजा आने वाला है आज का वीडियो में, आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पूरा। तो हम लोग सारा मछली फ्राई करते हैं, फिर इसे मसाला को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेवी लगाएंगे, फिर खाएंगे। कि आप देख पा रहे हो गाइस, हम लोग मसाला भूज रहे हैं, जब ये पूरा लाल हो जाएगा, ऑयल छोड़ने लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें पानी डालेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने अपना मछली और चावल ले लिया है, तो चलिए आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। चलिए सरोजी टेस्ट करिए, टेस्ट करके दिखाते हैं। देखने में तो काफी लजीज लग रहा है दोस्तों, बट टेस्ट करके बताते हैं। अब सरोजी ने पहले टेस्ट किया, वो बताएंगे। एकदम लजीज बना है और बहुत ही स्पाइसी। हाँ दोस्तों, एक नंबर बना, फुल मजा आ रहा है खाने में, काफी मजा आ रहा है। और एक चीज, गरम गरम है तो और मजा आ रहा कैसा फील आ रहा है सरोज जी, आज देसी स्टाइल में खा के? बहुत ही मजा आ रहा है, काफी समय बाद आज ट्राई किए हैं, और खास करके चूल्हे पे बनाए हैं, लकड़ी जला के। हाँ। इसका स्वाद ही अलग होता है, चूल्हे पे कोई भी खाना बनाइए दोस्तों, बहुत ही मजा आता है, स्वाद मतलब डबल हो जाता है। आप देख पा रहे, चूल्हे का एक निशानी भी लगा हुआ है मेरे हाथों में, देख सकते हैं उसकी जो पेंट होती है वो लग गई अभी भी। काफी खतरनाक बना है, क्या सरोज जी? बना है उनके लिए थोड़ा ज्यादा है, बट आप लोगों को तो पता ही है, हमें चलता है ज्यादा तीखा। मिर्ची मैन है ये, आप लोगों को तो पता ही होगा। हमारा फेवरेट है ये, खाते समय सब।
इनके साथ हम भी ट्राई कर रहे हैं मिर्ची मैन बनने का। और एक चीज, धूप में जो खाने का मजा है ना ठंडी के मौसम में, वो भी एक खाने का मजा को डबल कर देता है बहुत। देसी मजा। हाँ दोस्तों, एकदम देसी वाला फील आ रहा है आज। मछली तो काफ़ी टेस्टी बना है दोस्तों, आप सबको भी ये इतना टेस्टी मछली बनाना है तो हम लोगों ने आज पूरी रेसिपी बताई है देसी फिश कैसे बनाया जाता है। अब ये अगर मछली पोठिया मछली बनाना है आप लोग, पोठिया मछली बनाना है तो रेसिपी आप लोगों को हम लोग दे ही चुके हैं, टेस्ट एक नंबर बनी है गाइस, बहुत ही बढ़िया बना है। अगर ये खास तरीके से जो हम शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाए हैं आप लोगों को वीडियो में, जो कैसे हम कटाई किए हैं, ब्लाई किए, मसाला मैरिनेट किए थे, फ्राई किए, हर एक चीज दिखाए, हर एक चीज दिखाए हैं। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि आप लोगों ने देखा है ये स्टार्टिंग से काफी मेहनत लगाया आज की इस वीडियो बनाने में हम लोगों, तो सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी हमारी वीडियो आएगी तो बेल आइकन को दबाइएगा, इससे क्या होगा कोई भी वीडियो हमारी आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी गाइस। और कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बढ़िया वीडियो, सबसे बढ़िया पार्ट इस वीडियो में आपको कौन सा लगा क्या सलूशन कहां लगा वो कमेंट करके। अगर आपको इसी टाइप का वीडियो देखना है तो ये भी कमेंट कीजिएगा गाइस, अगर आपको इसी टाइप का वीडियो देखना है तो हम लोग इसी टाइप का बनाएंगे नेक्स्ट टाइम से, बस इसी टाइप सेम यही टाइप का देसी स्टाइल में बनाएंगे। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करना ना भूले, हर कोई भी अपडेट आती है एक दिन पहले वहाँ पे अपडेट आती है, उसके बाद यहाँ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद हमारे कैमरामैन वाले भैया सबका जो रफ्तार है वो देखिए हमसे भी डबल हो गया है। ये देखिए हम जितना चावल लिए उससे ज्यादा ये लोग चावल लेके पकड़ के दबा के पेल रहे, देख लीजिए। ये है अंकित भैया, ये रहे अमन भैया, तो इन लोग के बात पे भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोल दीजिए भैया आप लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।